दोस्तों, संसार में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। वही आज हम ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये जानकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। दरअसल दुनिया भर में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से फेमस है। ये समुद्र जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। इस समुद्र की खासियत यही है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। इस समुद्र को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि हम इसमें के कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुताबिक काफी खारा है। इसराइल के इस समुद्र को मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इस समुद्र को मृत सागर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, ये समुद्र पृथ्वी की सतह से करीब 420 मीटर गहरा और समुद्री सतह से करीब 2400 फुट नीचे है। ये अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इस समुद्र की खास बात यही है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता। इंसान यहाँ बिना किसी डर के आसानी से तैर सकता है। दुनिया भर के समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है। इसमें नदियों के पानी की तुलना में समुद्र के नमकीन पानी का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। आम पानी की तुलना में इसके पानी में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है। इस वजह से न तो ये पानी पीने लायक होता है, न इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जा सकता है। इस समुद्र में नमक की सघनता ज्यादा होने की वजह से जल में रहने वाले जीव भी जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इस समुद्र को मृत सागर कहा जाता है। मृत सागर इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। ये समुद्र बहुत कम जगह में फैला हुआ है। ये अरबी झील के रूप में जाना जाता है। ये हमेशा से ही विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस सागर में जॉर्डन नदी और अन्य छोटी छोटी नदियों आकर मिलती है। इसकी खूबी और उसके आसपास फैले सौंदर्य की वजह से इसे 2007 में विश्व के 7 अजूबों में चुनी गई और 28 जगहों की सूची में शामिल किया गया था। इस समुद्र के पास अनेक पिकनिक स्पॉट और होटल बने हुए हैं। यहाँ हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। छुट्टियां और मौज मस्ती के अन्य मौकों पर लोग इस समुद्र में तैराकी का लुफ्त उठाते हैं। लोग इसके काले कीचड़ को अपने शरीर और चेहरे पर लगाते हैं क्योंकि इस समुद्र का कीचड़ त्वचा को निखारता है और यह कीचड़ बहुत सी बीमारियों को भी खत्म करता है। हालांकि इस समुद्र में नदियों और वर्षा से ताजा पानी आता रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण और हवा बहुत ही खुशक है। यहाँ का तापमान पूरा साल गर्म रहता है। यहाँ वाष्पीकरण तेज होने के कारण इसका पानी हर साल 1 मीटर से अधिक कम होता जा रहा है। चाहे इस सागर में कोई जीव जीवित नहीं रह पाता, पर इसका पानी बहुत सी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पानी को लाइलाज रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि यहाँ मिलने वाले नमक और खनिज लवण हमारे लिए मूल्यवान हो सकते हैं। इसी कारण आज मृत सागर एशिया के मेडिकल टूरिज्म के रूप में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्यटन और स्वास्थ्य केंद्र खुले गए हैं। मृत सागर के पानी की काली मिट्टी और नमक से यहाँ विभिन्न स्पा और मड थेरेपी के जरिए इलाज भी किया जाता है। इस सागर में जल में ब्रोमीन, मैग्नीशियम तथा आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्रोमीन धमनियों को शांत करता है, मैग्नीशियम त्वचा की एलर्जी से लड़ता है, जबकि आयोडीन कई ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए मृत सागर के गुणों की सिद्धि की वजह से ही कई प्रसिद्ध कंपनियां मृत सागर से ली गई चीजों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाती है। इसके गर्म सल्फर और कीचड़ कई बीमारियों के इलाज में अहम भूमिका निभाती है। खासकर आर्थराइटिस और जोड़ों से संबंधित बीमारों के इलाज में इनका योगदान अधिक है। तो दोस्तों, आपको ये डेड सी यानी कि मृत सागर का रहस्य कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।